तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो धमाकेदार और मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। जी बिल्कुल, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और भर भर के कमेंट कर रहे थे कि 12th क्लास का हिंदी कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली आज से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 12th क्लास का हिंदी। तो चारों तरफ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को मालूम चल जाए कि 12th क्लास का हिंदी स्टार्ट हो चुका है। ठीक, और थोड़ी लेट हो गई 12th क्लास का हिंदी स्टार्ट करने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को क्या बताई हूँ कि हमारी एंट्री यूट्यूब पर भले ही थोड़ी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर थोड़ी देर हो जाए बट परफेक्ट होनी चाहिए, कंटेंट ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक, तो ये थी बात। तो 12th क्लास के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं जो आप लोग हमें कंफ्यूजन कमेंट करके पूछते हैं कि उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा हिंदी चलेगा, संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा हिंदी, पूरे हिंदी का बुक का क्या नाम है, उसके बाद से कितने चैप्टर हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, आज से जो आप लोगों का हिंदी स्टार्ट हो रहा है ना, वो 12th क्लास के 100 मार्क्स का हिंदी है, याद रखिएगा। और वो जो 50 मार्क्स वाला सिस्टम था पहले कि आप 50 मार्क्स ले रहे थे उर्दू अपने इच्छा अनुसार, या फिर 50 मार्क्स संस्कृत ले रहे थे, इंग्लिश ले रहे थे, ठीक, तो वो जो 50 मार्क्स वाला सिस्टम था वो मतलब लगभग ख़त्म किया जा चुका है, क्योंकि कॉलेज वाले खुद सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को कि आप 100 मार्क्स लीजिए। अब स्टूडेंट जो है खुद 100 मार्क्स ले रहे हैं, या तो 100 मार्क्स वो उर्दू ले, नहीं तो संस्कृत ले, नहीं तो इंग्लिश ले, नहीं तो 100 मार्क्स हिंदी जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक, स्टूडेंट को 100 मार्क्स हिंदी लेना ही पड़ता है, वो कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो आज से आप लोग का जो हिंदी स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा हिंदी है, 12th क्लास का 100 मार्क्स का हिंदी। अब 100 मार्क्स में नहीं बोलूँगी, सिंपली बोलूँगी 12th क्लास का हिंदी, क्योंकि 12th क्लास का हिंदी में कौन चलेगा, 100 मार्क्स 50 मार्क्स तो चल नहीं रहा है अब ज़्यादा, तो 12th क्लास का हिंदी मैं आप लोग को डायरेक्ट बोलूँगी। तो 12th क्लास का जो हिंदी का बुक है उसका नाम है दिगंत, याद रखिएगा। अब आप लोग का कंफ्यूजन ये है कि क्या उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए दिगंत ही हिंदी पढ़ना है और संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए दिगंत ही पढ़ना है। तो जी बिल्कुल, चाहे आप उर्दू सब्जेक्ट लिए हों चाहे आप संस्कृत सब्जेक्ट लिए हों, आप लोगों को जो हिंदी पढ़ना है 100 मार्क्स का 12th क्लास में, वो दिगंथी नाम का हिंदी पढ़ना है। दिगंत नाम का बुक है हिंदी का, उसको पढ़ना है, जो कि आज से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, जो आप लोगों का दिगंत नाम का हिंदी का बुक है 12th क्लास का, उसमें टोटल 3030 चैप्टर है, यानी कि 30 चैप्टर, और उस 30 चैप्टर में से 14 चैप्टर जो है ना वो गदखंड के हैं। गदखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोज सेक्शन और उर्दू में बोलते हैं हिस्सा नसर। गदखंड उसे कहते हैं जिसमें चैप्टर आम बोलचाल की तरह लिखा गया हो, जिस तरह हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं, अगर उस तरह चैप्टर लिखा गया है तो उसको गदखंड में रख दिया जाता है। जैसे कि कहानी किस तरह लिखा जाता है, जिस तरह हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं उसी तरह कहानी लिखा जाता है। निबंध यानी कि ऐसे नॉर्मल आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, उसी तरह आत्मकथा, ठीक है। तो कहानी, निबंध, आत्मकथा को किस में रख देंगे हम लोग, गदखंड के अंतर्गत रख देंगे। तो गदखंड में टोटल 14 चैप्टर है, ठीक, और 13 चैप्टर जो है ना वो काव्यखंड में है। काव्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन, यानी कि काव्यखंड उसे कहते हैं जिसमें चैप्टर पोएम के अंदाज में लिखा गया हो, यानी कि कविता के अंदाज में लिखा गया हो, या फिर आप बोल सकते हैं शायरी के अंदाज में। पोएट्री सेक्शन काव्यखंड को उर्दू में बोलते हैं हिस्सा शायरी, यानी कि जो शायरी के अंदाज में, कविता के अंदाज में चैप्टर लिखा जाता है ना उसको काव्यखंड में रख दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कविता ही हो गया, या फिर गीत हो गया, दोहा हो गया, ये सबको किस में रख देंगे आप लोग, काव्यखंड में रख देंगे, पोएट्री सेक्शन में। तो काव्यखंड में टोटल 13 चैप्टर है और गदखंड में टोटल 14 चैप्टर है, दोनों मिलाकर कितना हुआ 27, यानी कि 27 चैप्टर, और बचा 3 चैप्टर। तो 3 चैप्टर जो है ना आप लोगों को प्रतिपूर्ति के लिए दिया गया है, यानी कि अदायगी के लिए एक्स्ट्रा 3 चैप्टर दे दिया गया है। तो 27 3 30 हो गया, यानी कि आप लोगों के दिगंत नाम के हिंदी के बुक में टोटल 30 चैप्टर है। तो गदखंड का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 का क्या नाम है, बातचीत। बातचीत को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशन और उर्दू में बोलते हैं गुफ्तगु, ठीक। तो बातचीत के महत्व के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। इस चैप्टर के शुरुआत में कहा गया है कि भगवान यानी कि ईश्वर जो है हम सभी इंसान को, हम सभी मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान के रूप में दिए हैं, जिसमें से एक है वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति। सोचिए, अगर इंसान मतलब सभी इंसान के पास, जितने भी मनुष्य इस दुनिया में, सभी के पास सभी प्रकार की शक्तियाँ रहे, सिर्फ एक बोलने की शक्ति, वाक शक्ति ना रहे तो क्या होगा। वाक शक्ति के बिना इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर सभी लोगों के पास सभी प्रकार की शक्तियाँ, सुनने, देखने, समझने, ठीक है, या फिर कोई भी काम कर, सभी प्रकार की शक्ति रहती, सिर्फ बोलने की शक्ति ना रहती तो क्या होता।
सभी लोग गूंगे हो जाते हैं, ये दुनिया जो है गूंगी हो जाती है, सभी लोग कोने में पड़े रहते हैं, अजीब मतलब लगता है, सभी लोग मतलब किसी से बात नहीं करते, सिर्फ इशारे इशारे से समझाते हैं ना। मान लीजिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बोल कर समझा रही हूँ, अगर मेरे अंदर से बोलने की शक्ति ही खत्म हो जाए तो मैं आप लोगों को कैसे समझा पाऊँगी, ज़रा सोचिए। और मान लीजिए आप ही लोग दूसरों से बात करते हैं, अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, अपने मन के भाव को दूसरों को समझाते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक, तो बिना बोले आप लोग कैसे समझा पाते, पूरी दुनिया जो है वो गूंगी हो जाती, ठीक, बहुत ही अजीब लगता है, सभी लोग कोने में चुपचाप बैठे रहते, अपना अपना काम करते, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो ये बोला गया है कि बातचीत के बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं, बातचीत के बिना हम कैसे समझाएंगे इशारे से, उतना लोगों को कहाँ समझ में आएगा, ठीक। और बातचीत के जरिए ही तो रिश्ते बनते हैं, तो बातचीत जो है ना एक वरदान में भी अनोखा वरदान है, ये याद रखिएगा, ठीक। वाक शक्ति का प्रयोग बताया गया है, देखिए भगवान ने हम लोगों को वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति दी है, तो हम लोग वाक शक्ति का बहुत जगह यूज़ करते हैं, बहुत जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन मेनली दो जगह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एक तो स्पीच में और एक बातचीत में। स्पीच को हिंदी में कहते हैं भाषण और उर्दू में कहते हैं तकरीर, ठीक। तो दो जगह जो है ना सबसे ज़्यादा हम लोग बोलने की शक्ति यानी कि वाक शक्ति का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बातचीत और स्पीच दोनों में बहुत बड़ा का डिफरेंस दिखाया गया है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। बातचीत में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, मैं सामने वाले व्यक्ति से बात की, सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को सुना, मनोभावों को समझा, मनस्थिति को समझा, और उसको समझ कर वो क्या रिप्लाई दिया, मैं उसको सुनी, फिर मैं बोली, वो सुना, वो बोला, मैं सुनी, ठीक। तो इस तरह बातचीत में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि आप खुलकर सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं और वो सुन सकता है, फिर वो बोल सकता है, आप सुन सकते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बातचीत में। लेकिन अगर स्पीच की बात की जाए, भाषण की, तो स्पीच में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि भरी सभा में लोग बैठे रहते हैं, आप लोग देखे भी होंगे सेमिनार वगैरह होता है तो आदमी को आप लोग स्पीच यानी कि भाषण देते हुए सुने भी होंगे, ठीक है। तो स्पीच में क्या होता है, भरी सभा में लोग बैठे रहते हैं, कुर्सियाँ लगाकर बैठाई गई रहती है, जितने भी लोग आए रहते हैं कुर्सी पर बैठे रहते हैं, और उसके बाद से सामने क्या होता है, स्टेज यानी कि मंच होता है, और उस मंच पर स्टेज पर व्यक्ति जो है माइक लेकर बोलना शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं, उस इंसान को वक्ता कहते हैं जो माइक लेकर बोलता है, ठीक है। तो माइक लेकर जो वक्ता है वो भाषण देना शुरू करता है, आप लोग सुने भी होंगे ना, बोलता है, ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, दिस इज मी मुस्कान मैम फ्रॉम ज्ञापन अकेडमी, एंड आई एम वेरी डिलाइटफुल एंड ग्रेटफुल डैट यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, वगैरह वगैरह, मतलब जिस तरह वो जो एंकर होता है या फिर जो वक्ता होता है वो भाषण देना शुरू करता है, और उसकी बातों को जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान सुन रहा है, जितने भी भरी सभा में लोग बैठे रहते हैं उस वक्ता की बातों को सभी लोग सुनते हैं, जितने भी उस सभा में लोग बैठे रहते सभी लोग उसकी बातों को सुनते हैं, और उसके साथ साथ जो घर पर रहते हैं नॉर्मली अपना काम करते रहते हैं वो लोग भी इनडायरेक्टली सुन लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो माइक में बोल रहा होता है और माइक की आवाज़ दूर दूर तक जाती है, अलग अलग घर मतलब दूर दूर तक जाती है, तो जितने भी अलग अलग घर के लोग रहते हैं वो लोग भी इनडायरेक्टली सुन लेते हैं, यानी कि स्पीच में एक बंदा एक वक्ता जो है बोलता है और बाकी सभी लोग सुनते हैं, यानी कि बाकी सभी लोग इनडायरेक्टली सुन लेते हैं, डायरेक्ट सुने या फिर इनडायरेक्ट सुने सभी लोग सुनते हैं और एक इंसान बोलता है स्पीच में, और उसके बाद से जो भरी सभा में लोग बैठे रहते हैं वो बीच बीच में उस वक्ता जो बोल रहा है उसकी मतलब मनोबल को बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ना बीच बीच में तालियां भी बजाते हैं लोग, जय जयकार करते हैं, नारा लगाते हैं जो भी भरी सभा में लोग बैठे रहते हैं हौसला अफजाने के लिए, ठीक है। तो स्पीच में ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एक बंदा बोलता है और बाकी सभी लोग इनडायरेक्टली सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क। देखिए स्पीच में मैं आप लोगों को क्या बताई, स्पीच में नाज नखरा होता है, यानी कि जो एंकर होता है एंकरिंग करता है वो नाज नखरे के साथ बोलता है, एकदम बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलता है, स्पीच देता है, भाषण देता है, ठीक है। और उसके बाद से बीच में नोक की चुटीली बात भी कहनी पड़ती है, यानी कि एंकर को बीच बीच में हंसाने वाली बात कहनी पड़ती है ताकि लोग क्या करें, तालियां बजाए, उसके हौसले को अफजाए, यानी कि उसके हौसले को बढ़ाए, मनोबल को बढ़ाए, ठीक। और उसके बाद से एंकर जो होता है बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाव रखता है, वक्ता वो हर चीज़ का ध्यान रखता है, हर चीज़ का मतलब उसके अंदर लिमिटेशन होता है, अगर वो नाज नखरा दिखा भी रहा है ना तो वो लिमिट में दिखाएगा, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हाथ ही घुमाने लगा, ऐसे ऐसे कर ज़्यादा ही हाथ घुमा घुमा कर बात कहने लगा, ऐसा भी नहीं होता, या फिर ज़्यादा मतलब घूमने लगा टहल टहल कर बात करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी स्पीच देता है उसको हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, हर चीज़ को बड़ी अंदाज से बोलना पड़ता है स्पीच में, ठीक, गिन गिन कर पाव रखना पड़ता है, हर चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक अंदाज के साथ बोलना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रहनी चाहिए, ये सारा चीज़ जो है ना स्पीच में मेंटेन किया जाता है, ठीक। और स्पीच का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, यानी कि मेन मोटो जो होता है वो सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है, यानी कि जो स्पीच
देता है, जो वक्ता भाषण देना शुरू करता है, स्पीच देता है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा मोटो यही होता है कि जो सुनने वाला है, सुनने वाले व्यक्ति के मन में जोश और उत्साह पैदा कर दे, इतना जोश भर दे कि वो जोश और उत्साह में आकर तालियां बजाना शुरू करे और इतना तालियां बज जाए कि पूरी महफिल गूंज उठे तालियों से। ठीक है, तो स्पीच का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा मोटो यही होता है कि जो सुनने वाला है, जो व्यक्ति सुन रहा है, उसके मन में जोश और उत्साह भर देना, ठीक, एक्साइटमेंट भर देना, ये स्पीच का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, याद रखिएगा। लेकिन बातचीत जो होता है ना, वो स्पीच से टोटली डिफरेंट होता है। बातचीत में ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले के मन में आप जोश और उत्साह भर दें, ऐसा कभी होता है? बातचीत में नॉर्मली घरेलू ढंग से बात की जाती है, सामने दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन स्पीच में तो सिर्फ एक ही बंदा बोलता है, बाकी सभी लोग सुनते हैं, ठीक है। और इस बातचीत में ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले के मन में जोश और उत्साह भर देना, और बातचीत में ज़बरदस्ती कोई हंसाने वाली बात नहीं लानी पड़ती है, वो बातचीत करने के दौरान खुद से ही अपने आप वो आ जाती है बात हंसाने वाली, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दी हूँ कि बातचीत का, यहाँ पर का छूट गया है, बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें दो आदमी प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं और बीच में कोई चुटीली बात आ गई और वो हंस पड़े। बड़े मैं आप लोगों को बताई ना कि बातचीत में कुछ ऐसा घरेलू ढंग ही होता है जिसमें दो लोग एकदम आपस में प्रेम पूर्वक बात कर रहे होते हैं। पहला व्यक्ति जो है दूसरे वाले व्यक्ति के सामने अपना सारा दिल का राज खोल देता है, सारी बातें बता देता है, सारा बोझ उतार देता है बोल बोल कर। उसके बाद से दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है और वो भी बोलना शुरू करता है और वो भी सारा दिल का राज खोल देता है। यानी कि जब दो लोगों के बीच प्रेम पूर्वक बातें होती है ना, उस वक्त उन दोनों के बीच ज़बरदस्ती कोई चुटीली बात लाने, यानी कि हंसाने वाली बात लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग प्रेम पूर्वक बात कर रहे होते हैं तो अपने आप ही हंसाने वाली बात आ जाती है और दोनों लोग हंस पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हंसने का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों लोग एकदम तालियां बजाकर हा 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 कर कर हंसने लगे, नहीं। स्पीच के जैसे देखिए, स्पीच की हंसी अलग होती है और बातचीत की हंसी अलग होती है। स्पीच में एंकर जो होता है एंकरिंग करने के दौरान बीच में हंसाने वाला बात कहता है और लोग जो है तालियां बजाकर हा हा कर कर हंसने लगते हैं, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता। बातचीत की जो है ना हंसी अलग होती है। बातचीत में दो लोग बातें करते हैं और बीच में हंसने वाली जब बात आती है तो सिर्फ मुस्कुराहट से होंठों का फड़क उठना ही बातचीत की अंतिम हंसी होती है। मतलब उससे बड़ी हंसी तो इस दुनिया में और कहीं नहीं। मतलब उस मुस्कुराहट, उस हंसी के पीछे क्या राज है, सिर्फ वही दोनों लोग जान रहे होते हैं। क्यों हंस रहे हैं? सिर्फ बात, जब दोनों लोग प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं तो वो बात करके हंस रहे हैं, तो उस हंसी के पीछे क्या राज है सिर्फ वही दोनों लोग जानते हैं। और वो मुस्कुराहट से होंठ का फड़क उठना ही वो सबसे बड़ी हंसी होती है, इस दुनिया की सबसे बड़ी हंसी वही होती है, क्योंकि उन मुस्कुराहट के पीछे का राज सिर्फ वही दो लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात बताई गई है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इंसान की ज़िंदगी में, यहाँ पर में छूट गया है गलती से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में बातचीत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में खाने पीने चलने फिरने दौड़ने की आवश्यकता होती है, यानी कि नीड, ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में बातचीत करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बातचीत से ना मवाद ख़त्म हो जाता है, बातचीत से दिल के अंदर जो भी मवाद बैठा रहता है, धुआं बैठा रहता है, वो भाप के जरिए बाहर निकल जाता है। तो बातचीत यानी कि कन्वर्सेशन, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दो लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो गुफ्तगू बातचीत के ज़रिए ही ख़त्म होती है। ठीक है, मैं अक्सर देखती हूँ जब दो लोग के बीच झगड़ा हो जाता है ना, तो दो लोग गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से और बात करना छोड़ देते हैं। पहला वाला व्यक्ति है वो सोचता है क्या कि वो अपने आकर मुझसे बात करेगा, मैं क्यों जाऊँ उसके पास बात करने के लिए, और दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो सोचता है कि वो मैं क्यों जाऊँ उसके पास बात करने के लिए, वो खुद आएगा मेरे पास बात करने के लिए, मैं क्यों झुकूँ। ठीक है, झुकेगा नहीं आपुन। ठीक है, इस तरह बात आ जाती है और इस तरह बात करने के चक्कर में दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और बीच की जो दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बात करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, आप ही जाकर बात कर लीजिए। मान लीजिए आप किससे गुस्सा है या फिर कोई और आपसे गुस्सा है, तो आप ही जाकर बात कर लेंगे, जाकर बुलाइए बैठाइए और अच्छा से बातचीत कीजिए, जो भी बीच की गलतफहमी है उसको दूर कीजिए। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बात करने के दौरान ही खत्म हो जाती है, गलतफहमी बातचीत करने के दौरान ही खत्म होती है। तो सोचिए बातचीत में कितना पावर है, दो रिश्तों को जोड़ देता है बातचीत। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे है बातचीत का लत। देखिए जिस इंसान को बातचीत की लत लग जाती है ना, वो अब बातचीत के पीछे खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। मतलब जब एक बार वो इंसान बातचीत करना शुरू करेगा ना, तो सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, उसको मालूम ही नहीं चलेगा, खाना पीना सब कुछ छोड़ देगा, अपना लॉस कर देगा, भले अपना हर्ज कर देगा, लेकिन वो बातचीत करना नहीं छोड़ेगा। मतलब जिस इंसान को बातचीत की लत लग जाती है वो इस तरह ही करता है। मतलब कब खाने का समय हुआ, कब ड्यूटी जाने का समय हुआ, ये सब कुछ भी नहीं देखता है, बस उसको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात मतलब जब तक वो नहीं करेगा ना, तब तक उसका पेट का खाना ही नहीं पचेगा।
किसी किसी को बहुत ज़्यादा लत लग जाती है बातचीत की, और मैं इनफैक्ट देखी हूँ सामने से, अपनी आंखों के सामने देखी हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी आप लोगों के बुक में बताई गई है, और आप लोग ऐसे जाने सुने भी होंगे इसको। रॉबिन्सन क्रूसो जो था ना, वो 16 सालों तक इंसानी ज़िंदगी से दूर रहा, और 16 सालों तक वो जंगल में रहा कुत्ते बिल्ली के बीच में, और कुत्ते बिल्ली की आवाज़ों को सुना करता था। मतलब 16 सालों तक रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना, वो जंगल में कुत्ते बिल्ली के बीच में रहा 16 सालों तक, इंसानी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन जब 16 साल के बाद रॉबिन्सन क्रूसो पहली बार फ्राइडे के मुँह से बात सुनी ना, तो ऐसा लगा रॉबिन्सन क्रूसो फिर से आदमी का चोला पहन लिया है। मतलब बात करने के बाद उसको इतना अच्छा सुकून महसूस हुआ कि क्या बताए। तो सोचिए, बातचीत में मन को लुभा लेने वाली ताकत होती है, बातचीत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो ये थी रॉबिन्सन। ज़्यादा आप लोगों के बुक में नहीं दिया है रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी, बस इतना ही बताया गया कि 16 सालों तक वो जंगल के बीच रहा, और 16 साल के बाद जब पहली बार फ्राइडे के मुंह से बात सुना, तो ऐसा लगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने फिर से आदमी का चोला पहन लिया हो। बातचीत में बहुत ज़्यादा लुभाने की ताकत होती है। ठीक है, अब देखिए आगे है पत्र व्यवहार प्रेमी की बातचीत। अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह सभी के पास एक नया मोबाइल फ़ोन रह रहा है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, जब दो प्रेमी पत्र व्यवहार बात कर रहे होते थे पत्र के ज़रिए, चिट्ठी भेजकर, तो उस वक्त सोचिए जब जो पत्र व्यवहार प्रेमी यानी कि जो चिट्ठी से बातचीत कर रहे हैं प्रेमी, उनको सामने से बात करने की कितनी ज़्यादा लालच होगी कि हम भी बात करते अपने प्रेमिका से सामने बैठकर। तो उस वक्त की बात बताई गई है आप लोग के चैप्टर में, खैर वो ज़्यादा नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। बेन जॉनसन, देखिए बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का यहाँ पर का छूट गया है। देखिए बेन जॉनसन ने कहा है, उनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि जब तक मनुष्य इंसान बोलेगा नहीं, एक मिनट यहाँ पर मनुष्य लिखा गया है, यह छूट गया, यहाँ पर दे यह देना चाहिए, ठीक मनुष्य, ठीक है। तो जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, इंसान बोलेगा नहीं, तब तक कैसे मालूम चलेगा कि उसमें क्या गुण है, यानी कि क्या क्वालिटी है, और क्या उसमें दोष है, यानी कि क्या खामियाँ हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी जानने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान बोले। देखते हैं आप लोगों के घर में मम्मी पापा दादा दादी के पास इतना तजुर्बा है कि अगर कोई बोलना शुरू कर दे तो वो समझ जाते हैं कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है। ठीक, बोलने से मालूम चलता है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ की तरह बातें करेगा। ठीक है, तो बोलने से कोई भी इंसान बातचीत करता है ना, तो वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक ये मालूम चल जाता है, उसमें क्या क्वालिटी है, और मतलब उसमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, ये सब मालूम चल जाता है। बातचीत में इतनी ताकत होती है। ठीक, और जिसके पास परखने की ताकत होती है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परख लेता है कि कोई इंसान किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है। ठीक, तो ये बात है। अब आगे बढ़िए, देखिए बातचीत की सीमा, अब ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों, यानी कि बातचीत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही लोगों के बीच हो। बातचीत की सीमा जो है ना, वो दो से लेकर जमात, मीटिंग, सभा तक हो सकती है। अब बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो से ज़्यादा लोगों के बीच भी हो सकती है। अब दो से ज़्यादा जमात बुला लीजिए, या फिर मीटिंग बुला लीजिए, सभा बुला लीजिए, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एडिसन का कहना है कि बातचीत तो दो से ज़्यादा यानी कि जमात, मीटिंग में भी हो सकती है, लेकिन एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो है ना, सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। जो असली बातचीत होता है, हकीकत की बातचीत, वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। जो पर्सनल बातें खुलती है ना, वो दो इंसान के बीच, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में जितना भी राज होता है वो अपने बारे में सारा बता देता है दूसरे वाले व्यक्ति को, और दूसरा वाला व्यक्ति वो भी सुनता है और सोचता है कि कितना अच्छा वो अपना सारा पर्सनल बातें बता दिया। तो वो भी क्या करता है, दूसरा वाला व्यक्ति वो भी अपना सारा पर्सनल बात पहले वाले व्यक्ति के बारे में बता देता है, मतलब पहले वाले व्यक्ति को बता देता है। यानी कि दो लोगों के बीच जो बातें होती है ना, वो रियल मतलब वो असली बातचीत कहलाती है, क्योंकि दोनों लोग पर्सनल बातें कर रहे होते हैं और तीसरा कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तीसरा टपक पड़ता है, यानी कि जब दो लोग प्रेम पूर्वक बात कर रहे हों, अपनी पर्सनल बातें कर रहे हों, और तीसरा टपक गया यानी कि तीसरा आदमी आ गया, तो तुरंत बात को बदल दिया जाता है। ठीक, आप लोग देखे भी होंगे जब दो लोग बात कर रहे हों पर्सनली और तीसरा टपक गया, तो बात बदल देते हैं कि अच्छा हाँ हम वहाँ पर गए थे, तो हाँ हम उसको देखे, मतलब तुरंत बात बदल देते हैं और तीसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि तीसरा व्यक्ति मतलब तीसरे व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये दोनों मूर्ख बना रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन आप लोग देखे भी होंगे आसपास, और इनफैक्ट महसूस भी किए होंगे। तो एडिसन का क्या कहना है कि असल बातचीत यानी कि असली बातचीत जो है ना, वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, दो लोगों के बीच ही हो सकती है, तीसरा आया तो बातचीत बदल जाती है। ठीक है, और मतलब आप बोल सकते हैं खटपट हो जाती है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया है, छः कानों में पड़ी बात खुल जाती है, यानी कि एक मनुष्य के शरीर में कितना कान होता है, दो कान, तो तीन मनुष्य के शरीर में कितना कान,
तो छः कान, यानी कि जो बात छः कानों में पड़ गई, यानी कि तीन लोग को मालूम चल गई, वो बात का राज ज़रूरी है सभी लोगों के बीच खुल जाएगा। अगर दो लोग जानते हैं उस बात को तो वो राज नहीं खुलेगा, वो पर्सनल का पर्सनल ही रह जाएगा। लेकिन तीन लोगों के बीच चली, यानी कि छः कानों में वो बात चली गई, तो वो पक्का है कि बात का राज खुलेगा सभी लोगों। वो जो तीसरा व्यक्ति है वो जाकर चौथे व्यक्ति को बताएगा तो आठ कानों में पहुंच जाएगी बात, पांचवें व्यक्ति को बताएगा तो दस कानों में पहुंच जाएगी, ठीक है, छठे व्यक्ति को बताएगा बारह कानों में पहुंच, मतलब पूरी तरीके से राज खुल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी कोई बात हो दो लोगों के बीच ही सीमित रहनी देनी चाहिए, पर्सनल बातें रहे, मतलब दो लोगों के बीच रहती है तो खुलासा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही छः कानों में तीन लोगों के बीच पहुँचती है तो बात का खुलासा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि जिस तरह गर्म दूध का गिलास और ठंडा पानी का गिलास दोनों को एक साथ रख दिया जाता है, गर्म दूध के गिलास और ठंडे पानी के गिलास को दोनों एक साथ सटा कर रख दिया जाता है तो दोनों पर एक दूसरे का असर पड़ता है। जो ठंडा पानी होता है उसका असर गर्म दूध पर पड़ता है, यानी कि गर्म दूध का जो गिलास है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और उसके बाद से जो गर्म दूध का गिलास होता है उसका असर ठंडे पानी पर पड़ता है, और जो ठंडा पानी का गिलास है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यानी कि दोनों पर एक दूसरे का असर पड़ता है। इन द सेम वे जब दो व्यक्ति दो लोग एक साथ चिपक कर बैठते हैं पास बैठ जाते हैं तो उन दोनों पर बिना बात के बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ऐसा लगता है कि दोनों में विद्युत आवेश जो है प्रवाहित होने लगी, ठीक है। आगे बढ़िए, तीन आदमी के बीच त्रिकोण सा बन जाता है। देखिए यहाँ पर दो लोगों के बीच हो रही थी ना बात, अब इसी को तीन लोगों के बीच लेकर देखिए, जब तीन आदमी बैठे हैं तो त्रिकोण सा बन जाता है। दो लोग बैठे रहते हैं तो चिपक कर साथ में बैठे रहते हैं और पर्सनल बातें करते हैं, लेकिन जैसे तीसरा आता है तो त्रिकोण सा बन जाता है और त्रिकोण सी बातें भी होने लगती है, बात बदल जाती है, ठीक है। और जो बात तीन में हुई मानो अंगूठी में नग सी जड़ गई, मतलब जो बात तीन लोगों के बीच होगी ना मानो कि अंगूठी में नग सी जड़ गई है, मतलब उतने खुलकर बातें नहीं होगी, खुलिया जो लोग पर्सनल दो लोग बात कर रहे थे अब वो बात बदल जाएगी तीसरा के आने से और त्रिकोण सा बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद से जब चार हुए, यानी कि तीन लोगों से जब चार लोग हो जाएंगे तो खुलकर बातें ही नहीं होगी, जो दो लोग खुलकर बातें कर रहे थे अब वो बात नहीं होगी, जब चार लोग हो जाएंगे तो खुलकर बातें ही नहीं होगी, और अगर चार से अधिक लोग हो गए तो बात नहीं वो राम रमोवल कहलाएगी, मतलब जब चार लोग से ज़्यादा लोग आ गए बैठ गए एक साथ अब वहाँ पर जो बात होगी ना वो बातचीत नहीं कहलाएगी, वो संलाप नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा राम रमोवल, यानी कि फॉर्मेलिटी लोग निभाएंगे कि हाँ तुम कैसे हो, ठीक हो, मतलब यहाँ पर गए थे तो क्या हुआ, इस तरह मतलब फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा कि तुम कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, ठीक है। लेकिन जो दो लोगों के बीच बातचीत होती है ना वही असली बातचीत कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आप लोगों को पढ़ना है बातचीत के प्रकार के बारे में कि अलग अलग लोग कैसे बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर बोर्ड मिटाती हूँ और आप लोगों को अब बातचीत के प्रकार जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके बारे में बताती हूँ, ठीक। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब हम लोग समझते हैं बातचीत के प्रकार के बारे में कि अलग अलग लोग जो है आपस में किस तरह बातचीत करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले है बूढ़े लोगों की बातचीत, दो बूढ़े लोग किस तरह बातचीत करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, यही आप लोगों के बुक में दिया गया है। वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा से यही बताई हूँ कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो उनके पास ज़िंदगी भर का तजुर्बा होता है, इसीलिए आप लोग बूढ़े लोगों के पास बैठें उनके साथ बातें करें, क्या पता जब आप उनसे बातें करेंगे तो खुश होकर वो जो बूढ़ा आदमी है आपको ज़िंदगी भर का तजुर्बा एक मिनट में बता दे, बहुत मतलब बड़ी बात है ये। हम लोग कितना भी चलाक क्यों ना हो जाए, कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, कितना भी ब्रिलियंट माइंड की क्यों ना हो जाए, लेकिन वो तजुर्बा नहीं मिल सकता है हम लोगों को जो बूढ़े लोगों के पास होती है। उनके साथ बैठेंगे बातें करेंगे तो खुश होकर भले ही वो आपको वो एक्सपीरियंस जो अपने ज़िंदगी में अनुभव किए हैं जो तजुर्बा उनको मिला है वो आपको बता सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा वाली चीज़ होती है बूढ़े लोगों के पास बैठने से। तो इस चैप्टर में दो बूढ़े लोगों के बीच क्या बातचीत होती है ये बताया गया है। तो बूढ़े लोग क्या बातचीत करेंगे आपस में, जब दो बूढ़े बैठेंगे तो वही अपने पुराने ज़माने की बात करेंगे, अपने नौजवानी में वो क्या क्या करते थे, मतलब पुराने ज़माने की बातें होंगी, और नहीं तो वो अपनी बीमारी से रिलेटेड बातें करेंगे। किसी बूढ़े आदमी को अगर घुटने की बीमारी है, और ज़्यादातर बूढ़े आदमी को ना घुटने की बीमारी है, घुटने के दर्द का अर्थराइटिस हो जाता है तो उस चीज़ की बीमारी होती है, तो वही बात करेंगे कि हम इस डॉक्टर के पास गए थे वहाँ पर वो ठीक नहीं कर पाया, तो एक आदमी बताया कि उस डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ पर गए हैं दवाई खा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा मतलब थोड़ा ठीक है,
तो इस तरह से बातें होती है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी बूढ़े लोग जो है शिकायत ही करते हैं, जब दो लोग बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दो बूढ़े लोग बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं शिकायत ही करेंगे, वो अभी के जेनरेशन के हिसाब से शिकायत करते हैं ना, क्योंकि जो उनका समय था, बूढ़े लोगों का जो समय था, उनका जेनरेशन था, उसके हिसाब से अभी के जेनरेशन का, अभी के ज़माने का कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अभी के ज़माने में नया नया फैशन आ गया है, वो फटाफट पैंट चल रहा है, आप लोग देखते ही हैं, उसके बाद से बाल का डिज़ाइन देखिए, वो लाल पीला हरा कर ले रहा है लोग, उसके बाद से चिड़िए के घोंसले की तरह सिर्फ यहीं पर रह रहा है बाल, ठीक है, बाकी सब का गया, मतलब इधर साइड का बाल चला गया, अजीब सा लग रहा है, चिड़िया के घोंसले की तरह। तो इस तरह का फैशन का शिकायत तो ऑब्वियसली बात है, बूढ़े लोग बैठेंगे तो करेंगे, क्योंकि उनके ज़माने में ये सब नहीं था। ये नया नया जो फैशन आया है, फटा पैंट, लाल पीला हरा बाल, चिड़िया के घोंसले की तरह, उनके ज़माने में तो नहीं था, ठीक है। तो अभी के ज़माने जो नए नए फैशन, नौजवान लोग होते हैं, अभी का जो जवान लड़का और लड़की जो होती है, उनके बारे में शिकायत करते हैं कि देखिए ना, उसका लड़का जो है वो बाल रंगवा लिया है, हरा पीला लाल कर लिया, चिड़िया की घोंसले की तरह लगा, फटाफट पैड पहन कर घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। तो इस तरह बातें होती हैं बूढ़े लोगों में। और क्या, अब देखिए ऐसा नहीं है कि दो बूढ़े लोग बैठकर शिकायत करते हैं, बहुत अच्छी, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। आप बूढ़े लोग, मैं आप लोगों को हमेशा सलाह दूंगी कि आप बूढ़े लोगों के पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए, ठीक है, उन बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है बूढ़े लोगों से, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है दो पढ़े लिखों के बीच बातचीत। दो पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो उनके बीच क्या होगी, पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी, एजुकेशन से रिलेटेड होगी, आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन के बारे में बात करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। और दो हम सहेलियों की बीच बातचीत कैसे होती है, दो हम सहेली यानी कि जो क्लोज होती हैं, मतलब बहुत द बेस्ट फ्रेंड होती है, क्लोज फ्रेंड होती हैं, उनके बीच बातचीत वही होगी, अपनी दिल का, दोनों जो है सहेली अपनी दिल का सारा बात बताएगी, पहली जो सहेली अपनी दूसरी हम सहेली से अपनी दिल की सारी बातें बता देगी, पूरी अपनी पर्सनल बातें बता देगी, ठीक, दिल खोल कर बातें करती है, तो दूसरी सहेली जो उसकी हम सहेली वो सुनती है, सोचती है क्या कि अपनी सारा पर्सनल बातें बता दी मुझको, कितना विश्वास करती है मुझ पर, तो फिर वो भी क्या करेगी, अपनी पर्सनल बातें सब कुछ बताएगी, ठीक। तो दोनों सहेली के बीच यही बातें होती हैं, ठीक है, मतलब दोनों सहेली बात करके बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है, मन में खुशी के लड्डू फूटते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करती है, ये तो मैं नहीं जानती। अगर आप लोगों को जानना है कि दो हम सहेलियों के बीच क्या बातचीत होती है, तो आप किसी ऐसी सहेली से मिलिए जो इस तरह की सच में बातें की हो अपनी हम सहेली से, वो बताएगी कि क्या बातें होती है, ठीक है। और दो हम सहेलियाँ जब बातें करती हैं तो मानो रस का समुद्र जो है वो उमड़ा हुआ चला आता है, मतलब दो हम सहेली की बातचीत पर्सनल होती है और वो मतलब बातचीत करके खूब मुस्कुराती है और उस मुस्कुराहट के पीछे का राज सिर्फ वही दोनों जान रही होती है, ठीक है। और अब आगे है दो बूढ़ियों की बातचीत। दो बूढ़ियों को एक साथ बैठा दीजिए या फिर दो औरतों को एक साथ बैठा दीजिए और बोल दीजिए कि आप दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक दूसरे से बात ना करें। जब बातचीत स्टार्ट होती है ना दो बूढ़ियों के बीच या फिर दो औरतों के बीच, तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगा, लेकिन उनकी बातचीत ख़त्म नहीं होगी, इतना ज़्यादा बात करती हैं, ठीक। और मतलब बूढ़े लोगों के बातचीत में क्या हो सकता है, वही बहू बेटे वाली बातचीत होती है, ठीक, मेरी बहू जो है वो सुबह में उठ जाती है, ठीक, खाना वाना बना देती है, ठीक, मैं जो भी कहती हूँ मेरा बात मानती है, ठीक है, और उसके बाद से सेवा पानी वगैरह करती है, तो जो दूसरी बुढ़िया रहेगी, हाँ आपका बात, आपकी बहू तो आपका बात मानती है, लेकिन मेरी बहू सुबह में उठती ही नहीं है, डांटती हूँ तो उल्टा मुझको ही डांट देती है, मेरी ही सास बनने लगती है, ठीक, उसके बाद से खाना वाना उतना अच्छे तरीके से बनाती नहीं है, ठीक, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें करेगी लो, तो वो बोलेगी पहली बुढ़िया, वो बोलेगी कि मेरा बेटा इसी तरह है, मेरा बेटा है जो कि डांट कर रखता है, ठीक, तो वो बोलेगी कि हाँ आप सही बोल रही हैं, मेरा बेटा तो नहीं डांटता है बहू को, वगैरह 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 ढेर सारी यही सब बातें होती हैं, ठीक है। और अब मैं क्या बताऊँ, ज़रूरी नहीं कि दो औरतें दो बूढ़ियों के बीच ही शिकायतें होंगी, मतलब शिकायतें होती हैं लेकिन उतना ज़रा, अब सभी औरतें जो होती हैं वो शिकायत नहीं करती हैं, कुछ औरतें जो होती हैं ना वो पढ़ी लिखी होती हैं तो पढ़ी लिखी की तरह बातचीत करती हैं और एजुकेशन से रिलेटेड बात करती हैं, और ठीक, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शिकायतें होंगी, मैं किसी का यहाँ पर शिकायत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दो लड़कों के बीच बातचीत, दो लड़कों के बीच जानते होंगे खेल, यानी कि खेल से रिलेटेड होगा, क्रिकेट IPL वगैरह से रिलेटेड, नहीं तो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर स्कूल लाइफ से रिलेटेड, स्कूल लाइफ में वो क्या करते थे, कौन से टीचर उनके बेस्ट टीचर थे, ठीक है, कौन से टीचर में क्या क्वालिटी थी और क्या उसमें गलतियां, मतलब क्या खामियां थी, वगैरह वगैरह, यही सब बात होती है दो लड़कों के बीच, ठीक है। वैसे तो मैं उतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, आगे बढ़िए राजकाज की बातचीत,
ठीक है, व्यापार संबंधी बातचीत, तो ये सब क्या है, अलग अलग तरह के लोग जो है ना अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ठीक है, राजकाज की बातचीत अलग होती है, व्यापार संबंधी बातचीत यानी कि बिजनेस से रिलेटेड बातचीत, हर तरह की बातचीत जो है ना अलग अलग टाइप की होती है, एक दूसरे से आपस में लोग बातचीत करते हैं और बातचीत के ज़रिए तो ये दुनिया मतलब दुनिया के लोग जो है एक दूसरे की बातों को समझते हैं। ठीक, अब आगे बढ़िए, आगे लिखा है कि हमारे देश में, देखिए हमारा जो इंडिया है, भारत देश, उसमें अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत नहीं बल्कि बदकही होती है। हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर जो अशिक्षित लोग होते हैं यानी कि अनपढ़ लोग, उनके बीच बातचीत नहीं बल्कि बदकही होता है, मतलब बिना मतलब का बदकही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, बिचवई, बिचवई समझते हैं, बिचवई मेडिएटर जो कि शादी लगाता है, गाँव देहात में बोला जाता है अगुआ, ठीक, जो कि शादी लगाता है, तो बिचवई जो होता है दोनों पक्ष में संबंध की बातचीत करता है। देखिए बातचीत में कितना पावर है कि जो मेडिएटर यानी कि अगुआ होता है वो दो अनजान रिश्तों को बातचीत के ज़रिए एक रिश्ते के डोर में बांध देता है। वो जो बिचवई होता है यानी कि मेडिएटर, लड़के वाले से बातचीत करता है, उसकी बातों को सुनता है, फिर लड़की वालों से बातचीत करता है, उसकी बातों को सुनता है, जो छोटी छोटी खामियां गलतियां वगैरह है उसको दबा देता है और अच्छाइयों के साथ दो अनजान रिश्तों को एक रिश्ते की डोर में बांधकर नया रिश्ता क्रिएट कर देता है। सोचिए बातचीत में कितनी ताकत होती है। ठीक, तभी सभी बिरादरी वाले को, आसपास के जितने भी गाँव वाले लोग हैं, उनको उनके पास शादी का कार्ड जाता है कि ये लीजिए फला लड़की यानी कि अमुक लड़की की शादी जो है ना, अमुक लड़के यानी कि फला लड़के के साथ तय हो गई है, इतना तारीख को शादी है। ठीक है, तो सोचिए मतलब अगुआ जो होता है मेडिएटर, वो अनजान रिश्ते को एक डोर में बांध देता है और तब सभी लोगों को मालूम चलता है कि हाँ इतना तारीख को क्या है, शादी है। ठीक, तो ये सारी बात है, आगे बढ़िए, देखिए आगे बहुत अच्छी बात बताई गई है, यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा बातचीत करने का हुनर होता है। जो यूरोप के लोग होते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा मतलब बातचीत करने का आर्ट होता है, हुनर होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में होता है, तो यूरोप के लोगों में, बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। इनके बातचीत में झोल झाल वगैरह आप नहीं देखेंगे, घुमाओ फिराओ नहीं देखेंगे, एकदम सिंपली सीधा बात करेंगे जिससे सुनकर ना मन को शांति मिले। ठीक है, मतलब इनके जैसा तो बातचीत कोई पंडित भी नहीं कर सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। और जैसे कि भारत के लोगों में जो अनपढ़ लोग होते हैं, बातचीत करते करते मुर्गी की तरह कट 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 होने लगता है, झगड़ा वगैरह होने लगता है, तो इस तरह यूरोप के लोगों में नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। ठीक, आगे बढ़िए, बड़ी बड़ी कंपनी कारखानों की शुरुआत दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से ही होती है। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कारखाने होते हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है, दो चार लोगों नहीं तो दो चार जो दिली दोस्त होते हैं दोस्तों के बातचीत से ही शुरू होती है कि किस तरह कंपनी को क्रिएट किया जाए, मतलब किस तरह मतलब बनाया जाए कंपनी को, किस तरह बड़ा ब्रॉड किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री वगैरह की शुरुआत जो है ना बातचीत के ज़रिए ही होती है, चाहे वो दो चार दिली दोस्त हो या फिर दो चार लोग हों, वो बातचीत करते हैं कि किस तरह क्रिएट किया जाए, किस तरह बनाया जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़िए, 25 से ऊपर वर्ष के लोगों के बातचीत में अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव इत्यादि देखने को मिलता है। देखिए जो 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं ना, उनके पास जो है ना अनुभव आ जाता है यानी कि एक्सपीरियंस आ जाता है, और इसीलिए जब वो बातचीत करते हैं ना तो उनके बातचीत में अनुभव देखने को मिलता है। ठीक, तो जो 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, चाहे वो यूरोप के लोग हो चाहे वो किसी भी देश के लोग हो, उनके बातचीत में अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, दूरदर्शिता देखने को मिलता है यानी कि वो दूर तक सोच कर बातचीत करते हैं। ठीक है, बहुत दूर तक सोचते हैं। ठीक, और उसके बाद से गौरव, आत्मसम्मान इत्यादि देखने को मिलता है 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के बातचीत में। ठीक, क्योंकि वो मतलब जितना ही ज़्यादा इंसान एडल्ट होते जाता है ना, उतना ही ज़्यादा उसके साथ मतलब उसके पास एक्सपीरियंस, अनुभव आते जाता है, किस तरह समाज में लोगों से बातचीत करनी है, ये सारा चीज़ें उसको एक्सपीरियंस, अनुभव मिलते जाता है। जितना ही ज़्यादा उम्र बढ़ता है उतना ही ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा इंसान एडल्ट होते जाता है उतना ही ज़्यादा उसको अनुभव मिलता है। ठीक है, और अगर बात की जाए 25 साल से कम उम्र के लोगों की, तो जो 25 साल के कम उम्र के लोग होते हैं उनके बातचीत में उतना ज़्यादा आप लोग अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा, दूरदर्शिता, ज़्यादा दूर तक वो नहीं सोचते हैं कि हम ये बोल देंगे तो क्या हो, लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर गौरव, आत्मसम्मान वगैरह उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जो 25 साल से कम उम्र के लोग होते हैं। हाँ, अगर वो ज़्यादा समाज में बातचीत किया है तो हाँ उसमें देखने को मिल सकता है एक्सपीरियंस, अनुभव, क्योंकि जो लोग ज़्यादा समाज में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनको एक्सपीरियंस, अनुभव आ जाता है कि हाँ कब किस तरह, किससे किस तरह बात करनी है। ठीक, ये हम बात करेंगे तो लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
ठीक, तो ये है बातें, आगे बढ़िए। बिना दूसरे मनुष्य के बातचीत संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, देखिए अगर सामने वाला व्यक्ति ना रहे, सामने वाला पक्ष ना रहे, दूसरा आदमी ना रहे, तो हम लोग बात किससे करेंगे? ठीक, तो ज़रूरी है बातचीत करने के लिए कि दूसरा आदमी रहे, तभी तो हम लोग बातचीत करेंगे ना। तो अगर आप लोग के पास बातचीत करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो या तो आप किसी और को अपने घर बुला सकते हैं, यानी कि कोई और आपके घर कृपा कर सकता है आने की बातचीत करने के लिए, नहीं तो आप ही दूसरे के घर चले जाए बातचीत करने के लिए, कृतार्थ बनकर, मेहमान बनकर, है ना। तो ये दोनों चीज़ हो सकता है, या तो कोई और आपके घर आए, नहीं तो आप किसी और के घर चले जाए बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि अगर कोई दूसरा आता है आपके घर बातचीत करने के लिए, तो मतलब उसकी मेहमान नवाजी नहीं होती है, मेहमान नवाजी में थोड़ी कमी हो जाती है, तो वो गुस्सा हो जाता है, जाकर वहाँ पर जो है ना बुराई करता है, शिकायतें करता है अपने घर जाकर। या फिर हम लोग जाते हैं दूसरे के घर बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों का रिस्पेक्ट नहीं होता है, आदर सम्मान नहीं होता है, मेहमान नवाजी हम लोग की अच्छी नहीं होती है, तो हम लोगों को भी दुख लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें अगर दूसरा कोई बातचीत नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है बातचीत करने के लिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका सलूशन भी आप लोग के बुक में लिखा हुआ है। जब दूसरा व्यक्ति ना हो बातचीत करने के लिए, तो आप अपने अंदर वैसी शक्ति क्रिएट करें जिसके वजह से आप खुद से अपने आप से ही बात कर लिया करें, अपने आप से ही बातचीत कर लिया करें। ठीक, अपने अंदर वो शक्ति क्रिएट कीजिए। ठीक, अब देखिए ये जो शक्ति क्रिएट होता है कैसे क्रिएट होता है, ध्यान लगाइए, सुबह उठकर जो है ना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन सुने होंगे ना, एकदम शांति से बैठकर ध्यान लगाया जाता है। ठीक, मेडिटेशन किया जाता है, और ज़रूरी नहीं कि 2-3 दिन में आप लोग के अंदर वो शक्ति आ जाएगी खुद से बातचीत करने की, नहीं, ये 1 महीना भी लग सकता है। क्योंकि देखिए आप दोस्त बनाते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड आपका, जो क्लोज़ फ्रेंड होता है, वो 1 दिन में थोड़ा ना बन जाता है। पहले मिले होंगे, बातचीत हुई होगी, पहले नाम पूछे होंगे कि आपका क्या नाम है, फिर मतलब फिर दूसरे दिन मिले होंगे, फिर आगे की बातचीत, धीरे धीरे कर 1-2 महीना में वो क्लोज़ फ्रेंड आप लोगों का बना होगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप लोगों को अपने अंदर बातचीत करने की खुद से शक्ति क्रिएट करनी है ना, तो आपको 2-3 दिन में वो शक्ति क्रिएट नहीं हो सकती है, 1-2 महीना लग जाएगा। सुबह उठकर क्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, और फिर 1-2 महीना में आपके अंदर खुद से शक्ति क्रिएट हो जाएगी खुद से बातचीत करने की। ठीक, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है बातचीत करने के लिए, तो आप अपने अंदर ही वो शक्ति क्रिएट करें कि आप खुद से अपने आप से ही बातचीत कर लिया करें। ठीक है, तो ये बात है, आगे बढ़िए। देखिए वाक शक्ति के दमन से, यानी कि वाक शक्ति जब नष्ट हो जाएगी, बोलने की शक्ति, उससे अनेक प्रकार की चीज़ें नष्ट हो जाती है हमारे शरीर के अंदर से। अगर बोलने की शक्ति नष्ट हो जाएगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हम किसी को समझा नहीं सकते हैं, इशारों से कितना समझाएंगे। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नष्ट हो जाती है। ठीक, आगे बढ़िए। हमारी जीभ जो होती है ना, कतरनी के समान चलती रहती है, उसे काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाल। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारी जो जीभ होती है ना, टंग, जिससे हम लोग बोलते हैं, हमारी जीभ कतरनी के समान चलती रहती है, यानी कि कैंची के समान चलती रहती है। अगर हम लोग इस पर कंट्रोल कर लिए, तो क्रोधाधिक बड़े बड़े शत्रु, यानी कि क्रोध में, गुस्से में जो बड़े बड़े शत्रु होते हैं, बड़े बड़े दुश्मन, उनको भी बिना प्रयास हम लोग जीत सकते हैं और उनको अपने वश में कर सकते हैं। और ये कहा भी गया है कि इंसान अपनी बोली, अपनी बातचीत से बड़े दुश्मन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, अपने बातचीत से बड़े दुश्मन को लुभा लेता है। और वही इंसान से अगर बोली पर कंट्रोल हट जाए, तो वही इंसान अपनी बोली, अपनी बातचीत से किसी इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी बोलते चले जाए, तो जो लोग सुनेगा वो आपसे नफरत ही ना करेगा। मान लीजिए आप किसी के पास चले गए और उसके पास जाकर किसी दूसरे इंसान की बुराई करना शुरू कर दिए, और हो सकता है कि जिसके बारे में आप बुराई कर रहे हैं वो इंसान वहाँ पर पहले से ही मौजूद हो, या फिर वो उसी वक्त आ गया और आपकी बातों को सुन लिया, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि किसी की भी निंदा, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, गिबत तो करना ही नहीं चाहिए, किताब में भी लिखा है। ठीक, अगर आप किसी के पास जाकर दूसरे इंसान की बुराई करते हैं ना, तो ये सबसे गलत काम है, आप खुद एक पाप का भागीदार हैं। ठीक, जो समय आप दूसरों की बुराई करने में वेस्ट कर रहे हैं, वही समय आप अपनी लाइफ को बनाने में यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ में सोचिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक, वो समय अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए ना, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे क्या ले देना, किसी की बुराई करने से क्या फ़ायदा आप लोगों को। ठीक है, आप खुद अपनी लाइफ में सोचिए कि मुझे क्या करना है, अपने बातचीत पर, अपने बोली पर, अपने जेब पर कंट्रोल रखिए। ठीक, ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ भी बोल दे, जिस तरह कैंची से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, मतलब कैंची से हम लोग कंट्रोल कर काटते हैं ना कपड़े को। ठीक, अगर कैंची से कंट्रोल ही ख़त्म हो जाए, तो किधर से किधर काट देगा कपड़े को, और कपड़े को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। उसी तरह अगर आपके अंदर से बोली पर कंट्रोल हट गया, तो आप बोलते बोलते गुस्से में बोलते बोलते क्या से क्या बोलने के आप लोग को खुद ही नहीं मालूम चलेगा। हम लोग के अंदर इतना कंट्रोल पावर होना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसा ना बोल दें जो लोगों को तकलीफ़ लगे, लोगों को दुख लगे।
ठीक, इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। अब लास्ट में आप लोगों के बुक में लिखा गया है कि बातचीत जो है ना परमार्थ का एकमात्र सोपान है, यानी कि बातचीत जो है ना वो आगे रखने की एकमात्र सीढ़ी है। बातचीत के ज़रिए अगर आप अच्छा बातचीत करते हैं तो लोग आपको याद करेंगे, अपने यादों में रखेंगे। ठीक, तो बातचीत जो है परमार्थ यानी कि आगे रहने की एकमात्र सीढ़ी है। सोपान मतलब होता है सीढ़ी। अगर आप अच्छा बातचीत करते हैं तो लोग आपको परमार्थ रखेंगे कि सबसे पहले रखेंगे कि वो बहुत अच्छा बातचीत करता है, उसको रखना चाहिए यहाँ पर। ठीक, या फिर लोग आपको याद करेंगे, ठीक, बहुत अच्छा बात करती है, बहुत अच्छा बात करता है, ठीक, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आप लोगों का बातचीत नाम का पूरा चैप्टर कंप्लीट। कितना लंबा ये चैप्टर था लेकिन फिर भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब एक चीज़ बाकी है, पता है क्या, जो इस चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इनके बारे में पढ़ना, क्योंकि इनके बारे में भी कुछ डिटेल्स दिया गया आप लोग के बुक में जिसे आप लोगों को याद रखना होगा और उसको समझना होगा, ताकि अगर बालकृष्ण भट्ट से क्वेश्चन पूछे, लेखक से तो पूछता ही पूछता है, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटे। ठीक, तो पहले ले लीजिए आंसर फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए हम लोग समझते हैं बालकृष्ण भट्ट यानी कि लेखक के बारे में। जब हम लोग लेखक के बारे में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तब जाकर आप लोगों का चैप्टर वन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अधूरा है क्योंकि हम लोग लेखक के बारे में नहीं पढ़े हैं। और देखिए लेखक के बारे में भी तो कुछ कम नहीं दिया गया आप लोग के बुक में, इतना लंबा चौड़ा लेखक के बारे में डिटेल्स दिया गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को समझना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट की जन्म की बात कर लें, यानी कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी कि उनकी पैदाइश हुई थी 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के इलाहाबाद में हुई थी। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कब, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और निधन की बात कर लें यानी कि बालकृष्ण भट्ट की मौत कब हो गई, तो 20 जुलाई 1944 ईस्वी को, ये भी याद रखना है। और इनके माता पिता का नाम देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी और पिता यानी कि इनके फादर का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इनके जो पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट वो एक व्यापारी थे और इनकी माँ जो थी पार्वती देवी ये एक सुसंस्कृत महिला थी। और इनकी माँ जो ही जो बालकृष्ण भट्ट की माँ है पार्वती देवी, पार्वती देवी ही जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट यानी कि अपने बेटे के मन में पढ़ने लिखने की लालसा लालच जगाई। एक तरह से माँ का रोल होता है बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने के लिए, तो वो इनकी माँ का काम था, मतलब जो भी प्रारंभिक शिक्षा था, शुरुआती शिक्षा देने का काम वो इसकी इनकी माँ की थी। और मतलब पढ़ने लिखने की जो लालच है बालकृष्ण भट्ट के मन में इनकी माँ पार्वती देवी जगाई थी। ठीक है, और प्रारंभ में जो है ना बालकृष्ण भट्ट संस्कृत का अध्ययन किए थे यानी कि संस्कृत की पढ़ाई किए थे, और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में ये इंट्रेंस की एग्ज़ाम दिए थे। कब, 1867 में, कहाँ, प्रयाग के मिशन स्कूल में ये इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, इंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। और फिर 1869 से लेकर 1875 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के दो बार मिशन लिखा गया है ये एक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 1869 से लेकर 1875 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कराते रहे यानी कि टीचिंग सर्विस लिए थे, यानी कि टीचर बनकर पढ़ाते रहे। कहाँ पर, प्रयाग के मिशन स्कूल में। ठीक, और उसके बाद से 1885 में ये प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, यानी कि 1869 से लेकर 1875 तक तो ये प्रयाग के मिशन स्कूल में टीचर बनकर पढ़ाते रहे बच्चों को। उसके बाद से 1885 में ये प्रयाग के CAV स्कूल, कौन सा स्कूल, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करा रहे थे, यानी कि संस्कृत का टीचर बने थे और संस्कृत पढ़ा रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही संस्कृत का अध्ययन किए थे, संस्कृत की पढ़ाई किए थे, तो इनके पास संस्कृत का अच्छा खासा नॉलेज था, तो ये संस्कृत को टीचर भी बने थे। और उसके बाद से 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। देखिए 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापक यानी कि टीचर नियुक्त हो गए, उनकी वहाँ पर जॉब लग गई। लेकिन मतलब किसी वजह से ये उग्र आदमी थे, थोड़ी थोड़ी बातों पर मतलब ये गुस्सा हो जाते थे, तो उग्र होने के कारण इनको वो जॉब छोड़नी पड़ी और यही लेखक का काम करना पड़ा, यानी कि ये लिखना शुरू कर दिए, कहानी कविता तो नहीं, ये गद खंड में ही रहे थे, मतलब ये लिखना शुरू कर दिए, लेखक का काम शुरू कर दिए। ठीक, अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो है ना 1877 ईस्वी में ये हिंदी प्रदीक नामक मासिक पत्र जारी किए। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है ना
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर 1877 में हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र यानी कि मंथली मैगजीन, पत्रिका जो होती है मैगजीन, उसको मतलब क्या किए, प्रकाशित किए, यानी कि जो कि हर महीना मंथली मैगजीन, मतलब जो मैगजीन, जो पत्रिका एक एक मंथ पर प्रकाशित हो उसी को बोलते हैं मंथली मैगजीन, ठीक है। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र यानी कि मंथली मैगजीन जारी करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रकाशित करना शुरू कर दिए, जो कि हर महीना प्रकाशित होती थी। और ये 33 सालों तक ये जो है ना हिंदी प्रदीप नामक मंथली मैगजीन को प्रकाशित करते रहे, 33 सालों तक चलाए थे ये मैगजीन यानी कि पत्रिका, ठीक है, याद रखिएगा हिंदी प्रदीप नाम का। अब आगे देखिए 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, ये याद रखिएगा संयोगिता स्वयंवर, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया संयोगिता स्वयंवर को 1886 में बालकृष्ण भट्ट जो है ना इसकी कठोर आलोचना किए थे, कठोर निंदा किए थे आप बोल सकते हैं, ठीक है। 1886 में बालकृष्ण भट्ट जो है लाला श्रीनिवास दास का लिखा हुआ संयोगिता स्वयंवर की वो आलोचना किए थे, ठीक है। और उसके बाद से ये अपने जीवन के अंतिम दिनों तक हिंदी शब्दकोश की एक तरह से बोल सकते आप पाठ रहे, अंग रहे, ठीक है, हिंदी शब्दकोश में ये भाग लिए थे, ठीक है। और आगे बढ़िए इनकी रचनाएं की बात करें यानी कि क्रिएशन, ये क्या क्या लिखे हैं, तो ये उपन्यास लिखे थे यानी कि नॉवेल लिखे थे, नावल। उर्दू देखिए उपन्यास को इंग्लिश में बोला जाता है नॉवेल और उर्दू में बोला जाता है नावल, ठीक है। नाटक भी लिखे थे बालकृष्ण भट्ट यानी कि ड्रामा, प्रहसन भी लिखे थे यानी कि तमाशा वगैरह लिखे थे, और उसके बाद से निबंध यानी कि ऐसे भी लिखे थे, ठीक है। तो देखिए उपन्यास में यानी कि इनका जो नॉवेल था, कुछ नॉवेल्स का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, ठीक, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब क्या है, नॉवेल्स यानी कि उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद से इनके कुछ नाटक यानी कि ड्रामा का भी नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, ढेर सारे ड्रामा का नाम दिया गया है, जैसे कि पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेड़ी संहार, ठीक है, शिशुपाल वध, ठीक है, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि, ढेर सारा, मतलब सबसे ज़्यादा ये नाटक लिखे थे, ड्रामा वगैरह लिखे थे। अब आगे है प्रहसन, प्रहसन मतलब मैं आप लोगों को बताई ही, कॉमेडी नहीं तो तमाशा, तो ये ढेर सारे तमाशा यानी कि कॉमेडी लिखे थे, जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ठीक, आचार विडम्बन इत्यादि, ये सब क्या है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया कॉमेडी है, तमाशा है। अब बात कर लेते हैं निबंध की, यानी कि ये बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो ऐसे निबंध भी लिखे थे, और लगभग 1000 के आसपास में ये निबंध लिखे थे, 1000 से ज़्यादा ये निबंध यानी कि ऐसे लिखे थे, जिसमें से 100 जो निबंध था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध था, मतलब 100 से ज़्यादा जो है ना इनका खास निबंध था, और ये 1000 से ज़्यादा निबंध लिखे थे, और उसी में से एक है भट्ट निबंध माला, याद रखिएगा ये जो भट्ट निबंध माला है ना, ये निबंध है ऐसे है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, तो ये भट्ट निबंध माला जो है ना ये दो खंडों में संग्रह है, यानी कि इसका दो खंड है, एक खंड मतलब दो खंडों में विभाजित कर लिखा गया, आप बोल सकते हैं दो किताब है, दो खंड, जैसे कि दो पार्ट में वीडियोज़ बनता है, उसी तरह भट्ट निबंध माला एक निबंध है लेकिन ये दो खंडों में विभाजित, दो हिस्सों में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का बालकृष्ण भट्ट यानी कि लेखक राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स, देख रहे हैं कुछ डिटेल्स है जो आप लोगों को याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो यहां पर होता है आप लोगों का चैप्टर 1 जो है बातचीत, वो पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चारों तरफ शेयर कर दीजिए, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।